बागेश्वर जिले में सरकारी शिक्षा के हालात से आक्रोशित भनार के ग्रामीणों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रापरावी नौकाना में 40 बच्चों पर केवल एक शिक्षक और रापरावी शैली शामा में 4 बच्चों के पढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों की तैनाती को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों ने रापरावी नौकाना में जल्द एक शिक्षक की तैनाती करने की मांग की है। भनार के ग्रामीणों ने सीईओ कार्यालय में नारेबाजी के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि नौकाना में लंबे समय से एक ही शिक्षक तैनात है। बच्चों की अधिक संख्या को देखते हुए एक अतिथि शिक्षक की तैनाती की गई, लेकिन अब भी शिक्षक का पद रिक्त चल रहा है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं शैली शामा में केवल 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक तैनात किए गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली के कारण नौकाना से बच्चे पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जी हम हमारे जो प्राइमरी पाठशाला नौकाना भनार है, वहाँ पर जो है छात्र संख्या हमेशा बढ़ती आ रही थी, और जिस कारण से पिछले सालों से शिक्षा विभाग ने वहाँ पर जो हमारे शिक्षक थे उनका ट्रांसफर करा दिया, दूसरी जगह भेज दिया, तो छात्र संख्या घट गई। और हम लोगों ने वहाँ पर जो है पढ़ाई के स्तर को ठीक करने के लिए, गरीब सारे परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो प्राइवेट टीचर भी हमने रखा है वहाँ, और घर से पैसा हम देते हैं। तो ये हमारे लिए दुख की बात है कि जहाँ पर 4 बच्चे होते हैं वहाँ 2 टीचर इनके तैनात होते हैं, जहाँ 40 से ऊपर बच्चे हैं और वहाँ पर जो है एक शिक्षा मित्र और एक टीचर होते हैं, जो लगातार ऑफिशियल काम इतना होता है उनका कि वो ही काम पूरा कर पाते हैं वो, और पढ़ाई का स्तर नीचे होते जा रहा है हमारा। हम पहले वहाँ पर अभी टीचर की मांग कर रहे हैं, और आज हमने ज्ञापन भी दिया यहाँ शिक्षा अधिकारी जी को, और उन्होंने 5 तारीख तक के लिए कहा है कि नहीं टीचर नहीं होते हैं पूरे, तो फिर दोबारा हम हड़ताल करने को तैयार हो जाएंगे। मेरा नाम प्राइमरी स्कूल है ग्राम पंचायत भनार में, वहाँ पर 40 बच्चे होने के बावजूद वहाँ पर एक स्थायी शिक्षक और एक शिक्षा मित्र के भरोसे वो स्कूल है। लगातार ये छात्र संख्या घटने के कारण जो है अध्यापकों की कमी के कारण है। इससे पहले इसमें इस विद्यालय में 68 बच्चे थे, अब ये उस समय 3 अध्यापक थे, अब एक अध्यापक दूसरी जगह ट्रांसफर करा इन्होंने, उसके बाद जो है 40 पहुंच गया। अब अगले साल पता चला कि 30 बच्चे हो जाएंगे। ऐसे तो ये सरकारी विद्यालयों का जो है छात्र संख्या घटते जाएगी और प्राइवेट स्कूल जो है बढ़ते जाएंगे। ऐसे उनके वहाँ नॉर्म्स के मुताबिक अध्यापक पहले से तैनात हैं, क्योंकि विद्यालय दुर्गम में है, ये इसलिए आ रहे हैं कि उनके जो समीपस्थ विद्यालय है वहाँ छात्र संख्या 4 पे 2 अध्यापक हैं। ये इसी अपेक्षा से आ रहे हैं कि वहाँ से एक अध्यापक हमको दे दिया जाए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि नॉर्म्स जो हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी विद्यालय में न्यूनतम 2 अध्यापक होंगे, और 60 के बाद ही तृतीय अध्यापक मिलता है, क्योंकि यहाँ इनके यहाँ 40 बच्चे अध्ययनरत हैं, तो 2 अध्यापक इनके यहाँ ऑलरेडी हैं, तो एज़ पर नॉर्म्स हैं। लेकिन यदि कोई गुंजाइश निकली, बच्चे अगर नए बच्चे कार्यभार ग्रहण करते हैं और उसके बाद घटते क्रम में इनका नंबर आएगा, तो इनको अध्यापक दिया जाएगा, तो अन्यथा की स्थिति में इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है एज पर नॉर्म्स है। बता दें कि अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय की उपेक्षा के कारण अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। ग्रामीणों ने विद्यालय की छात्र संख्या को देखते हुए जल्द नौकाना में शिक्षक की तैनाती करने को कहा है, नहीं तो मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।